नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो कि कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष एंड तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? ठीक है, हम इसे बहुत आसान और एक सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास जो अमाउंट है वो है 15,000। ठीक है, पहले हम प्रथम वर्ष के लिए ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए, 15,000 में अगर हम प्रथम वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 15,000 का 16%, यानी 15,000 गुणा 16/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पर आएगा 2400। ठीक है, अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए हम क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, समझिएगा ध्यान से, दूसरे वर्ष में एक तो ब्याज लगेगा 15,000 पर, प्लस जो पहले वर्ष में ब्याज आया था वो भी क्या हो जाएगा? हमारा इसी मूलधन में शामिल हो जाएगा। तो हम इसे जोड़ के और लंबे प्रोसेस से ना करके सीधे सीधे निकाल लेते हैं। देखिए, 15,000 पर ब्याज हमें पता है कितना आया था, 2400, और इसमें और प्लस क्या हो रहा है, 2400, यानी जो अब दूसरे वर्ष के लिए जो क्या हो जाएगा, मूलधन में शामिल हो जाएगा। तो इस पर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए, जब हम 2400 का 16% निकालेंगे, 16 × 64 = 4, 16 × 32 = 38, यानी 384, यानी दूसरे वर्ष के लिए कुल ब्याज हुआ हमारे पास 2784। अब हम तीसरे वर्ष के लिए डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए कैसे, तीसरे वर्ष में समझिएगा, एक तो 15,000 पर ब्याज लगेगा वो हो जाएगा 2400, प्लस चूंकि तीसरे वर्ष में ये 2400 भी शामिल होंगे मूलधन के रूप में और ये 2784 भी शामिल होंगे मूलधन के रूप में, तो इस 2400 पे जो ब्याज लगेगा वो होगा 384 प्लस। देखिए, अलग अलग निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। और देखो, अब की 2400 और 384 दोनों मूलधन में शामिल होंगे, तो हम इन पे अलग अलग काउंट कर देते हैं। इस 24 से पे फिर से आएगा कितना, 384, ठीक, प्लस जब इस 384 पर हम ब्याज काउंट करेंगे 16%, 384 का 16% निकालेंगे तब आएगा 61.44। ठीक है, देखिए, अब हमने सही से अलग अलग इन सब का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। अब देखो, हमें निकालना है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का अंतर। देखो, हम अंतर कैसे निकालेंगे बहुत स्मार्टली। देखो, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का अंतर निकालना है, यानी तीसरे वर्ष में से दूसरा वर्ष निकालना है, तो जो जो कॉमन है उसे हम पहले से ही कट कर देंगे। देखिए, 2400 में से 2400 घट जाएगा, 384 में से 384 घट जाएगा। अब हमारे पास केवल बचता है 300। देखो, ये दोनों तो घट गए, ठीक है, यानी दूसरे वर्ष की पूरी राशि तीसरे वर्ष की पूरी राशि से कट हो गई। यहाँ क्या बचता है, 384 + 61.44। ठीक, अब देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं इधर, 384 + 61.44, ये तो 44 ऐसे ही आएगा, 4 और 1 = 5, 8 × 6 = 14, 4 + 1 = 3 और 1 = 4, यानी उत्तर आएगा 445.44। यही क्या हो जाएगा, अंतर। देखिए, बस यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, जब मैंने अंतर निकाला है, अंतर में जो जो तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष में कॉमन संख्याएं थी उन्हें मैंने पहले ही बाहर कर दिया, जो संख्याएं बची उन्हें जोड़ लिया, वही क्या हुआ, दोनों का अंतर हुआ। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 × 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, जब भी हमें मिश्रधन निकालना हो या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो सबसे पहले हमें मिश्रधन निकालना पड़ेगा, यानी अमाउंट। तो देखिए, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, यानी 10,000, ठीक है, देखो 1 + रेट 14/100, जो भी प्रतिशत दिया है। अब देखिए, 2 सही 2/5 है, तो जो सही में लिखा है उसे ऊपर लगा लेंगे, ठीक, फिर से 1 + 14/100, और देखिए 5/7 लिखा है, इसकी गुणा कर देंगे इस जहाँ पर प्रतिशत बटे 100 लिखा है, 7 से, ठीक। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आराम से। देखो, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, देखो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 7 से 7 कटा और 5 से ये हुआ 10। देखो, यहाँ हो जाएगा 57/50 2, और इधर हो जाएगा 10 और 1 = 11, यानी 11/10, ठीक। देखो, 10,000 50 × 50 × 11/10, 1, 2, 3, 5 × 5, 5 × 2 = 10, ठीक है। देखो, 11 × 22 × 57 × 57/5, जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 71,478/5। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 5 × 5, 5 × 5 = 20 और 5 × 2 = 10, 5 × 45 = 2, 25 हो गया था, 25 रखा तो 3 बच गया, पॉइंट लगाकर 0 लगाया और ये हो गया 5 × 6 = 30, ठीक है। यानी हमारे पास अमाउंट आ गया 1495.6। अब हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है। तो क्या करेंगे, जो अमाउंट है
14,295.6 इसमें से माइनस कर देंगे किसे, मूलधन को यानी 10,000 को। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,295.6। अगर आप यही आपका उत्तर होगा।